दोस्तों आप देख सकते हैं पंचवटी नासिक में स्थित बहुत बड़े घाट पे हम आए हैं इस टाइम। और दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, पूरा एंजॉय करिए। और मैं इस टाइम नासिक आया हूँ, कल का हमारा ट्रिप था तंबिकेश्वर और शिरडी साईं बाबा, और आज पंचवटी आए हैं। देखिए पूरा वीडियो और एंजॉय करिए। आप पीछे देख सकते हैं घाट वगैरह सब। लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके लाइक। सामने जो देख सकते हैं ये मंदिर, ऐसा मंदिर बना हुआ है कि जो पुजारी लोग पानी के लेवल से कुछ अंदर तक रहते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर इतना अद्भुत और चमत्कारी है। और ये बहता पानी है गंगा जी का, जो कि आगे से बहता हुआ पंचवटी आता हुआ एकदम चला जाता है एकदम आगे तक बाहर एकदम। आप पूरा देख सकते हैं। और ये नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र में, मुंबई से 4-5 घंटे का रास्ता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, प्लीज़ भूलिएगा नहीं। मिलता भी है तो जड़ी बूटियाँ मिलती है पूरे मंदिर में, आप किसी प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी यहाँ पे पा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर एक शॉप है, आगे भी है, बहुत सारे लोग जड़ी बूटियाँ बस बेचते हैं यहाँ पे। कुछ भी देखेंगे आपको जड़ी बूटियाँ ही देखने को मिलेगा। जैसे हम लाइक ये देखिए, जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलता है और ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। शंख, जड़ी बूटी, ये देखिए दोस्तों, ये एक ज्योतिर्लिंग पंचवटी देख लीजिए दोस्तों। एक बार हम लोग शंख परचेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ के प्रसिद्ध शंख। खरीदारी कर रहे हैं हम लोग, ₹1500 का है। जैसा मांगो वैसा दाम आता है, वैसे नहीं आपने घर का कितना बोले? ₹200 जास्ती है, ₹150। ये देखो हम तो सही कार गाय को बोला नहीं, तो तुम दूर ₹150 लो। ये देखो तुम दूर का है उसके लिए, नहीं नहीं ₹150 लो। मैं देखो भगवान का वस्तु में नहीं परोड़ेगा, एक काम करो रख दो, रख दो, जब बोल दिए रख दो तो नहीं परोड़ेगा दोस्तों। ये कुंड है, छोटा सा कुंड, जो इसकी पानी बहते हुए आगे से आती है और यहाँ से बहते हुए इस कुंड का पानी निकल जाता है आगे। निकलो बाहर, बाहर निकलो, घंटी नहीं है। क्या मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और बने रहिए मेरे चैनल पे,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। देख लीजिए मंदिर, और नेक्स्ट वीडियो हम त्र्यंबकेश्वर का डालने वाले हैं, जल्दी ही आएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत।